क्लोन स्टूल का नाम सुनते ही पता चलता है कोई भी एक जगह का जो कलर पिक्सल है उसको, जो कलर रेंज है उसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने के लिए ये टूल यूज होता है। तो एक्चुअली मेरे हिसाब से फोटोशॉप का जो, अगर कोई कॉपी पेस्ट टूल है तो ये क्लोन स्टूल है। क्लोन स्टूल का हिसाब से हम लोग देखो, ये वाला इमेज, ये वाला जो डॉग है इसको फिर डुप्लीकेट किया हम लोग, पहले ऐसे था बाद में ऐसे किया। ये जो बेलून है देखो, ये पहले ऐसे था बाद में ऐसे किया। ये जो लड़की का ये जो ऑर्नामेंट है इधर नाक में कान में जो ऑर्नामेंट है देखो, बाद में इसको किया ऐसे, किया रिमूव कर दिया। तो क्लोन स्टोन का हिसाब से हम लोग ऐसे कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सबूच और आप लोग देख रहे हैं फिल्म सार सबूच। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं पहले इमेज ले लिया, तो इसके बाद क्लोन टूल ले लेंगे। ओके, क्लोन टूल लेने के बाद ऊपर जो सेटिंग है, ये सेटिंग में मैं पहले बोला था ग्लास का साइज हार्डनेस छोटा बड़ा करने के लिए यूज होता है ये। हमको इधर जाने का जरूरी नहीं है, ये इमेज का जो साइज है ये देख के हम लोग की पैड का जो ऑल्ट है, विंडोज का ऑल्ट है, ऑल्ट प्रेस करके रखना है और माउस का राइट वाला बॉटम क्लिक करके आपको अगर हॉरिजॉन्टली आप बढ़ाएंगे तो ये बड़ा होते जाएगा, और अगर आप वर्टिकली छोटा बड़ा करेगा तो इसका हार्डनेस ज़्यादा कम होगा। तो ठीक है, मैं इधर ये हिसाब से थोड़ा ऐसे साइज का ले लेंगे, थोड़ा हार्डनेस बढ़ा देंगे इसको। ओके, थोड़ा हार्डनेस बढ़ा दिया। चलो मैं ऐसे मेरा ब्रास साइज ले लिया। अभी क्या करना है, इधर ऊपर जो है मोड है, मोड का बारे में मैं अभी तक बताया नहीं आपको, ये ब्लेंडिंग ऑप्शन है, मैं एक दिन बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ओपेसिटी तो 100 रहेगा, 250 रहेगा, इधर कुछ करने का जरूरी नहीं है, ये लगभग सही रहेगा, सही है। फिर ये इमेज का ये जब जो ये काला पिक्सल है किसी के ऊपर हमको कीपैड का ऑल दबाने के बाद माउस का लेफ्ट वाला की प्रेस करना है। चलो अभी फिर क्या करना है, इसके ऊपर हमको ऑल्ट छोड़ देने का है, छोड़ के माउस का लेफ्ट वाला बटन क्लिक करके सिंपली पेंट करना है। और हमको ध्यान रखना है इधर लेफ्ट साइड में जो प्लस साइन है वो साइन इमेज के ऊपर होना चाहिए। तो देखो धीरे धीरे मेरा एक डुप्लीकेट बन गया उसका, देखो धीरे धीरे मेरा एक ऐसी डुप्लीकेट बन गया। ओके, फिर दूसरा एक इमेज देखता हूँ, ये वाला इमेज, इसको पहले डुप्लीकेट ले लेंगे, आसान होगा समझने के लिए। थोड़ा कंट्रोल माइनस करने से छोटा होगा, कंट्रोल प्लस करने से बड़ा होगा। अभी ब्रश साइज को छोटा करना है, फिर इसके ऊपर हम लोग ऑल दबा के एक बार सिलेक्ट कर लेंगे। चलो सिलेक्ट हो गया, फिर हम लोग पहले जैसे माउस का लेफ्ट वाला बटन क्लिक करके ऐसे करके पेंट करूंगा। तो उससे क्या होगा, देखो और एक डुप्लीकेट बन गया मेरा इधर, और एक डुप्लीकेट बन गया, पहले ऐसे था बाद में ऐसे किया। अभी देखो ये ब्रास साइज मेरा बड़ा है और मैं उतना स्लो नहीं कर रहा हूँ, मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो इसके लिए इसका जो बॉर्डर है इसके साथ मैचिंग नहीं हो रहा है। अब अगर धीरे धीरे करेंगे तो ये बॉर्डर भी मैचिंग हो जाएगा, तो ये आपको पता नहीं चलेगा एडिट किया हुआ कि नहीं हुआ। तो चलो दो दो इमेज हम लोग देख लिया, अभी तीसरे वाला इमेज देखना है, ये वाला इमेज हम लोग अभी देखना है। इसको क्या था, ये तो पहले ऐसे था बाद में इसको ऐसे किया, तो देखता हूँ कैसे कैसे करना है इसको। पहले एक डुप्लीकेट लेयर ले लेंगे, फिर इसको जूम करेंगे हम लोग। ये वाला काम करने के लिए आपको पिक्चर क्वालिटी बहुत बड़ा होना चाहिए, पिक्चर क्वालिटी बड़ा होगा तो आपको काम करने के लिए आसान हो जाएगा। चलो जूम, बहुत जूम कर लिया मैं इसको। अभी करना है क्लोन टूल से हमको ये निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए और एक चीज़ का आपको जरूरी है, तो क्लोन टूल का हमको पैनल बोर्ड चाहिए। तो इसका पैनल कहाँ से मिलेगा आपको, कंट्रोल पैनल कहाँ से मिलेगा, विंडोज में जाना है। जाने के बाद इधर देखो क्लोन सोर्स बोल के एक ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है तो मुझे ये वाला पैनल आ जाएगा। इसमें हम लोग इधर जो एंगल है एंगल चेंज कर सकते हैं काम का हिसाब से, तो फोटो अपना घूमेगा तो हमको काम करने के लिए आसान होगा। अभी क्लोन टूल ले लिया, इसको छोटा करना पड़ेगा, क्लोन टूल को बहुत बड़ा है मेरे को। चलो इसको छोटा किया, हार्डनेस थोड़ा कम कर देंगे और भी थोड़ा छोटा करेंगे, और भी थोड़ा छोटा। ओके, अभी क्या है यहाँ का जो कलर है ये लेना है मेरे को,
पिक करके ले लिया, फिर हल्का सा इधर मैं पेंट करूँगा, ऐसे ऐसे करके मैं पेंट करूँगा। इसका ओपासिटी, इसका थोड़ा फ्लो कम कर देना सा अच्छा होगा मेरे हिसाब से। तो फ्लो थोड़ा कम कर दिया, 27 कर दिया, ओके फिर लिया और थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा ऐसे करते हुए। मैं इसका जो जगह का कलर पिक्सल चेंज कर दूंगा, इधर को जैसे है अगर ऐसे भी इधर भी कर देंगे। इधर और थोड़ा मेरे को सेटिंग करना है, पहले इधर तो मैं कलर ले लेंगे, लेके इसको थोड़ा हल्का सा मैं ऐसे करके सेट बना लेंगे, इधर भी ऐसे कर लेंगे, इधर से लेके हल्का सा ऐसे करके ब्लेंड कर देंगे दोनों जगह का। अब इसको कंट्रोल माइनस दबा के थोड़ा छोटा करता हूँ। देखो पूरा निकाल दिया मैं क्लोन टूल पहले से। अभी कैसे था पहले, पहले ऐसे था बाद में ऐसे हो गया, ठीक है ना, पहले ऐसे है बाद में ऐसे, पूरा ये ऑर्गामेंट को जैसे निकल दिया। अभी ऐसे करके हम लोग ये दोनों को भी निकल सकते हैं, दोनों ईयरबिन को। अभी क्या है आपको देखना है, आपका इमेज के हिसाब से आपको कौन कौन सा टूल यूज करने से आपको आसान होगा, क्योंकि कोई कुछ कुछ काम हम लोग काफ़ी टूल से कर सकते हैं। जैसे कोई काम हम लोग इधर पैच टूल से भी कर सकते हैं, इधर का जो स्पॉट हीलिंग ब्लास्ट टूल है इससे भी कर सकते हैं, और सेम काम हम लोग क्लोन टूल से भी कर सकते हैं। तो आपको देखना है आपको इमेज के हिसाब से वो वाला काम कौन सा टूल से करना आसान होगा। मुझे तो लगता है इधर जो ये इयररिंग है इसको निकालने के लिए मुझे ये क्लोन टूल का हिसाब से मेरे को ये स्पॉट हीलिंग टूल ज़्यादा काम पे आएगा। लेकिन फिर भी ये जो कान का इधर है ना, ये जगह हमको करना है क्लोन टूल से, बाकी आउटसाइड पर जो है ये करना है हमको स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से, ठीक है। तो मैं ले इसको क्रॉस कर लेंगे, जूम कर लेंगे, जूम और थोड़ा जूम, ओके। अभी ये जो कान का ये जो एरिया है ना, ये मैं क्लोन टूल से करने वाला हूँ। चलो क्लोन टूल ले लिया, अभी बाहर में मैं सिलेक्ट करूँगा, फिर इसको ऊपर में धीरे धीरे करके पेंट करूँगा। चलो धीरे धीरे पेंट पेंट देखता हूँ क्या हुआ, थोड़ा इसको पहले, हाँ चलो ठीक है। लेकिन थोड़ा इधर रेड कलर का मुझे कुछ स्पॉट दिखाई दे रहा है, कुछ स्पॉट दिखाई दे रहा है इधर, इस स्पॉट को भी निकाल सकते हैं हम। पहले इधर से ले लेंगे, फिर इसको कुछ धीरे धीरे फिर देखो पहले ऐसे था बाद में इसको ऐसे किया। तो ऊपर का पर्सन का पूरा ये जो इयररिंग था इसको क्लोन टूल का हेल्प से मैं पूरा निकाल दिया। अभी नीचे वाला जो है इसको क्लोन टूल से मेरे को अच्छा लगता है, ये स्पॉट हीलिंग ब्लास्ट टूल से करने से ये आसानी से हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, ज़्यादा पेंट करना है। मैं पहला बार वीडियो में बोला था स्पॉट हीलिंग टूल से कैसे काम करना है। देखो इसको थोड़ा हल्का पेंट किया तो ये पूरा देखो पहले ऐसे था बाद में ऐसे किया।
तो फ्रेंड आज हम लोग सीखा कैसे क्लोन टूल्स का हिसाब से हम लोग कोई भी एक जगह का कलर पिक्सेल दूसरे जगह में ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना दूरी है, फिर नेक्स्ट दिन हम लोग बताऊंगा इरेज टूल, इरेजर टूल। तो आज के लिए इतना दूरी है, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।